स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं केस 4, जो कि हमारे पास अगर दो एक साइड और दो एंगल गिवन हो, ठीक है ना, और हमारे पास एक एंगल की ऑपोजिट साइड गिवन हो, तो उसको हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, हमारे पास BC साइड गिवन है, जो कि हमारे पास इसने कितनी बताई है, 5.8 सेंटीमीटर की। तो आप स्केल की मदद से ग्रो करेंगे उसको। अब स्टूडेंट्स, हमने BC साइड ग्रो कर लिए, ठीक है ना। अब हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल B है, ठीक है, 40 डिग्री का। और हमारे पास एंगल A, ठीक है, कौन सा है हमारे पास, सॉरी, एंगल जो हमारे पास ए है वो है 65 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास एंगल हम कहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, आप आपके पास जो एंगल बी है उसको ड्रॉ करेंगे, प्रोट्रेक्टर इधर रखेंगे, ठीक है ना। फिर प्रोट्रेक्टर रखने के बाद जहां भी इधर 40 डिग्री बनाए एंगल, तो आप उधर पॉइंट लगा के, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इधर एक ज्वाइन कर लेता हूँ उनको, ठीक है ना। ठीक है सुना, तो देखिए मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि हमारे पास किसी पॉइंट पे जब वो टच करे तो उसको मैं और इजाफी कर लूंगा, ठीक है ना। ये अब मैंने एंगल बी ले लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो एंगल ए बनेगा वो हमारे पास कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है ना। मगर आप वो कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इस ये हमारे पास कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो सॉरी, हमारे पास एक ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो इसने दिया हुआ है वो हमें क्या बताया हुआ है कि बी एंगल कितना है, 40 डिग्री का, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ 40 प्लस, और हमारे पास कौन सा इसने हमें ए एंगल बताया, जो कि हमारे पास कितना है, 65 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल और ए पर जो एंगल बनेगा उसको मिला के हमारे पास 105 डिग्री का एंगल बनना ही है, दो मिलके, ठीक है ना। तो हमारे पास जो तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो 180 तीनों डिग्री तीनों एंगल मिलके 180 बनाते हैं, तो मैं दो एंगल जो हमारे पास ये वाला और एंगल ए पे बनना है वो मिलके कितना बनाता है, 105 डिग्री का, इसको मैं माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास एंगल जो एक बच रहा है वो कितना है, 75 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब वो कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका होगा, क्योंकि हमारे पास एंगल जो था 65 डिग्री का, वो जो यहाँ बनेगा वो ए एंगल था, और हमारे पास ये वाला एंगल आगे, इन दोनों को जब मैंने जमा करके सारे जो हमारे पास 180 डिग्री एंगल बनता है तीनों का सम उसको निकाल दे, तो हमारे पास सी पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा। अब जब 75 डिग्री का बनेगा तो आप प्रोटेक्टर रखेंगे, और प्रोटेक्टर रखने के बाद स्टूडेंट्स आप उसके ऊपर 75 डिग्री जो आपके पास होगी ना उसको आप पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और ये आपने यहाँ कहीं पॉइंट लगा लिया, ठीक है, फिर एक लंबी सी लाइन ग्रो करेंगे, ठीक है ना, रे रे के लो, लाइन के लो, ठीक है ना, उसको ग्रो कर लेंगे। और जहां पर इसने दूसरी रे को कट किया है वो पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैं कह लूंगा ये मेरे पास सी पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए ट्राइंगल हमारे पास बन चुकी है जो हमें बनानी थी, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने किस तरीके से बनाया, हमारे पास ये वाला तो एंगल था नहीं, और ये वाला एंगल 65 था, तो देखिए ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होगा, 65 डिग्री का ही होगा। जाहिर है, जाहिर से बात है, जब ये जो हमारे पास ये जो, ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 65 डिग्री का आ गया है। जाहिर है जब हमारे पास ये 65 डिग्री का था और ये 40 डिग्री का, तो ये हमने सम किया, इसमें से माइनस 180 में से माइनस किया, तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया। अब ये वाला एंगल हमें बना लिया, क्योंकि ए एंगल नहीं बना सकते थे, हमें नहीं पता था कैसे बनेगा। तो हमने इसको जब बनाया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल जो बचेगा वो 65 डिग्री का ही बनेगा। तो हमारे पास ये एंगल बन गया, और हमारे पास जो ट्रायंगल थी वो हमने बना लिए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले केस पर।